उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में अपनी सरकार के 3 साल पूरा होने का जश्न मनाया था। साथ ही 3 साल के रिपोर्ट कार्ड को भी पेश करते हुए जमकर अपनी उपलब्धियों का बखान किया था। अन्नदाताओं से लेकर महिलाओं की स्थिति पर भी अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज अन्नदाताओं के मुद्दे पर यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सत्ता में आने से पहले तो देश के अन्नदाताओं की बात हर कोई करता है, लेकिन जब सत्ता हासिल होती है तो सारे वादे हवा हवाई हो जाते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां मौजूदा स्वास्थ्य परेशानियों के बीच भी कृषकों के पास कर्ज को लेकर नोटिस भेजा जा रहा है। जी हां, यूपी के ललितपुर के मेलवारा कला गांव के निवासी गरीबा अहरवार को यूपी ग्रामीण बैंक ने ऋण वसूली का नोटिस भेजा है। उन्होंने नोटिस 11 मार्च के दिन जारी किया था। उनसे 16 मार्च तक ऋण चुकाने के लिए कहा गया था, लेकिन अजीब बात तो ये कि ये नोटिस डिस्पैच ही 25 मार्च को हुआ था। इसी नोटिस को लेकर अब कांग्रेस ने सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार को अन्नदाताओं के प्रति असंवेदनशील बताया। लल्लू ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य हालात से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने समय पूरे देश में संपूर्ण बंदी लागू की हुई है, ऐसे में अन्नदाताओं के पास वसूली के नोटिस कैसे आ रहे हैं। अजय कुमार ने कहा कि खेतों में फसलों की कटाई नहीं हो पा रही, वहीं दूसरे काम भी बंद हैं, तो फिर कोई किसान ऋण कैसे चुका सकता है। उन्होंने कहा कि बंद के चलते केंद्र सरकार ने सभी तरह की बैंक ऋणों की किस्तों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, तो फिर इस समय योगी सरकार ने कैसे अन्नदाताओं को नोटिस भेज दिया। लल्लू ने कहा कि योगी कृषकों के प्रति कितने असंवेदनशील हैं, इसका इसी बात से पता चल जाता है। ऐसे में अब योगी सरकार कांग्रेस के कटाक्ष का क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।